एडीएम श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश के साथ जनपद में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियां चुनाव संबंधित पोस्टर और बैनर लगाने के लिए जिला प्रशासन से परमिशन ले लें। उन्होंने बताया कि सभी पार्टियों को अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा, जिससे चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराया जा सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ईसीआई ने आज 5 बजे आचार संहिता को घोषित कर दिया है, नोटिफिकेशन इलेक्शन का जारी कर दिया है। तो आज से निर्वाचन की सारी कार्रवाई बहुत तेज़ी से की जाएंगी और सबसे पहले जितने भी पोस्टर्स बैनर्स सभी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, उन्हें एक रूप से समान व्यवहार से निष्पक्षता से हटाया जाएगा। और इसके लिए जो आयोग ने निर्धारित समय किया है 24 घंटे में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और उसके नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपकी ये पब्लिक प्लेसेस और उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए प्राइवेट बिल्डिंग्स, तो इसके लिए हमारी सभी टीमों से अभी बैठक हो गई है। वो अपने क्षेत्रों में निकल गई हैं और ये कार्य 10-15 मिनट के अंदर ही शुरू होके आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आचार संहिता में बहुत से निर्देश आए हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो जाति, धार्मिक और भाषाई समुदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ाए या किसी प्रकार की नफरत की भावना या तनाव को पैदा करे। इसके अलावा राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रम के संबंध में ही की जा सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के वास्तविक अपने पर्सनल जीवन की उनकी कोई कमेंट नहीं किया जाएगा, ना ही उनके घरों के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा और सांप्रदायिक भावनाओं की कोई दुहाई नहीं दी जाएगी। और निर्वाचन के जो मस्जिद या गिरजाघर, मंदिर या पूजा स्थल हैं, इस पर कोई निर्वाचन की बैठक नहीं की जाएगी, धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रिश्वत या शराब या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है प्रचार के संबंध में, तो उसके संबंध में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो निर्वाचन आयोग की धाराएं दी गई हैं 171H वगैरह, उनमें सब में कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी वाहनों की चेकिंग की जाएगी कि उसमें पैसा या शराब का किसी प्रकार से ट्रांजेक्शन ना होने पाए। और जुलूसों के संबंध में भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जुलूस एक ही समय पर अगर दो राजनीतिक दल जुलूस निकालना चाहते हैं तो उसके टाइमिंग्स और उसमें उसका यातायात पहले से निर्धारित कर लिया जाएगा कि ये जुलूस कितने बजे क्रॉस करके निकल जाएंगे, ताकि दोनों के बीच में किसी प्रकार का वैमनस या छींटाकशी, मारपीट की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। मिशंस के लिए उनकी शर्तें हैं कि वो पहले से अपने संबंधित अधिकारियों को, निर्वाचन अधिकारियों को ये सूचना दे देंगे कि मैं इस कार्य से अपनी शादी के लिए, बेटी के लिए 2 लाख रुपये निकालने जा रहा हूँ या सीमा जो निर्धारित सीमा उससे अधिक कैश निकालने जा रहा हूँ, तो उसकी परमिशन दे दी जाती है कि आप ये ले जाएं। मतलब ये पैसा किसी भी तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल ना हो, इसका बस ध्यान रखा जाता है, उसको परमिशन मिल जाती है।